हाय गाइस, दिस आकाश वंस अगेन कमिंग विद अ न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज का टॉपिक होने वाला है आई एम जम्मू वर्सेस आई एम बोधगया। तो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक कॉलेज है जो आपको लगता है कि इनमें से हमें चूज करना चाहिए, या फिर मैं ये बोलूं कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूं कि ऐसे इन दोनों में से कौन से कॉलेज हैं जो आपको चूज करने चाहिए। प्लेसमेंट फिगर्स की बात करूं, या फिर ऐसी बात करूं लोकेशन की, या फिर मेन चीज जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है कि कितनी सीट्स बेसिकली यहां पे अवेलेबल होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वही करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप सबके लिए, जो कि है आईपीएम कम्युनिटी। सो स्टूडेंट्स, आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे आंसर्स वेट कर रहे हैं वहां पे। तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करिए एंड ज्वाइन करिए कम्युनिटी। So let's get started. तो सबसे पहली चीज जो कि इन दोनों स्पेसिफिक कॉलेजेस में कॉमन है वो है जिपमैट। तो इन दोनों कॉलेज में आपको एंट्री लेने के लिए सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, आपको जिपमैट देना पड़ेगा। जिपमैट देने के बाद ही आपको इन दोनों कॉलेजेस में एंट्री मिलती है। तो बात करते हैं सात ऐसे पॉइंट्स के बारे में जहां पे आपको मिलने वाली है टॉप नॉच नॉलेज। तो पहली चीज ये है फैकल्टी के बारे में। अगर आपकी फैकल्टीज दोनों कॉलेज में स्पेसिफिकली ज्यादा जो बेटर मिलेंगी वो है जम्मू में एज कंपेयर टू बोधगया, क्योंकि एक्सपर्टीज ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि दोनों ने अपना प्रोग्राम 2021 में ही स्टार्ट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आई एम जम्मू एज कंपेयर टू आई एम बोधगया ज्यादा बेटर है। वहां पे आपको नॉलेज के साथ साथ जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है, जो कि आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। करिकुलम की बात करें तो करिकुलम एज कंपेयर दोनों में ही सिमिलर है। आप आईपीएम प्रोग्राम चूज कर रहे हैं 5 साल का, जहां पे 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन और 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। एलुमनाई नेटवर्क ऑलमोस्ट सिमिलर, बट फिर भी एक ज्यादा बेटर एज यहाँ पे +1 हम देंगे जम्मू। लोकेशन, अब अगर लोकेशन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जम्मू कश्मीर क्या सेफ रहेगा जाना? तो पहली चीज, अगर मैं बात करूं आई एम जम्मू की, तो वो कश्मीर में नहीं, आई एम जम्मू जम्मू में ही है और बहुत ही सेफ लोकेशन पे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि अगर हमारे ही सिटी में एक आई एम है तो हम वो क्यों नहीं चूज करें। ये भी अच्छी चीज है, आपको वो चूज कर सकते हैं, बट जहां पे आपको प्लेसमेंट ज्यादा मिल रही है, जहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैकल्टी ज्यादा अच्छी मिल रही है, तो फॉर श्योर आपको चूज करना चाहिए ये। बट एक और चीज ये है कि अगर आपने अपना बैकअप ऑप्शन ये रखा है तो वेल एंड गुड। अगर आपका आई एम इंदौर में नहीं होता है तो ये दोनों कॉलेजेस आपके बैकअप के लिए बहुत अच्छे हैं। You do get a good campus life as compared to IIM Bodhgaya. ज्यादा अच्छा है या नहीं, इस पर थोड़ी सी कंपेरिजन हम कर सकते हैं, बट IIM जम्मू फिर भी as compared यहां पर अगर हम देखें तो वेटेज उसको ज्यादा मिलता है। तो अब हम ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहां पे हम फाइनल एक डिफरेंस देखेंगे, वर्सेस देखेंगे कि आई एम जम्मू और आई एम बोधगया। गाइस, अब फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आई एम जम्मू में ऐसी स्पेसिफिक कौन सी चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं, दूसरे में हम देखेंगे आई एम बोधगया में ऐसे आपको कौन सी चीजें मिलती हैं। तो सिमिलर एक पैटर्न है जो कि है जिपमैट। जिपमैट तो देना ही पड़ेगा। दोनों में आपको 120 सीट्स मिलती है। यहां पे एक और बड़ी चीज ये है, अगर आप देखें तो जिपमैट के 95% यहां पे लिया जाता है और 5% जेंडर डाइवर्सिटी को स्पेसिफिक दिया जाता है। यहां पे आपको 100% जिपमैट का आपका रिजल्ट स्पेसिफिक लिया जाएगा। अब मेन चीज जहां पे हम देखेंगे कि आपका 64 LPA हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज गया है, एवरेज 16.50 और मीडियन इज 15.25, जो कि यहां पे आपको +10 points दे रहा है आई एम जम्मू को इस लिस्ट में ऊपर आने के लिए। यही हम सिमिलर पैटर्न पे देखें तो 30.5 LPA यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, 12.36 LPA एवरेज पैकेज है और मीडियन इज 12 LPA। तो अब स्पेसिफिकली मैं यहां पे बोलूं तो यहां हो गए हैं प्लस
10 और यहां पे अभी भी आप स्टिल प्लस 5 पे ही है। तो डिसीजन हमेशा मैं स्टूडेंट्स पे ही छोड़ता हूं, क्योंकि यहां पे हमने सारी वो स्पेसिफिक चीजें देखी जो आपको IIM जम्मू या फिर IIM बोधगया में मिलने वाली है। सो गाइस दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हुआ है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा उस चीज के बारे में। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माय एंड। बाय बाय।